के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में विभिन्न क्षेत्रों व नेपाल से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने चढ़ाई आस्था की खिचड़ी। गोरख पीठाधीश्वर एवं महंत सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को दिया मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के हैं व्यापक प्रबंध। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के व्यवस्थापक आईजी और एसएसपी ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से सीएम व गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने दी गोरखपुर वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, की उनके उज्जवल भविष्य की कामना। गोरख पीठाधीश्वर के रूप में नजर आए सीएम योगी, मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं पर रही पल पल नजर। सपा बसपा ने संयुक्त रूप से 63 पाउंड का केक काट कर मनाया बसपा सुप्रीमो का 63वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने बधाई देकर लंबी उम्र की मांगी दुआ। रोजगार मेले में चयनित 250 युवाओं को बस के माध्यम से जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया हरिद्वार रवाना। सपाइयों ने मनाया बसपा मुखिया मायावती और सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन। केक काट कर किया उनके दीर्घायु होने की कामना। आज भी सीएम की आवाज पहचानती हैं गायें। निरीक्षण के दौरान आवाज सुनकर सीएम के पास दौड़कर पहुंच गई गायें। जीडीए के आवासीय कॉलोनी लोहिया इनक्लेव में मूलभूत सुविधाओं का आरोप लगाते हुए आवंटियों ने दी चेतावनी, कहा रेरा के मानकों के खिलाफ काम कर रहा है जीडीए। सीएम योगी ने मकर संक्रांति के दिन भी गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद, दिए निस्तारण के आदेश। गोरखपुर महोत्सव में लगाए गए सरस शिल्प मेले में लोग उठा रहे हैं खरीदारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ। सुरेश वाडेकर के सानिध्य में सुर से सुर मिलाकर चल रहे हैं आकाश, भोजपुरी गीतों में है काफी रुचि। और जीसीए के जिला क्रिकेट लीग में रॉयल उद्यांश क्रिकेट एकेडमी ने बुद्धा कोचिंग को 32 रनों से हराया।